सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो बिलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर तिहाया हाँ बल बल सतगुर सतपुरखैया गुरमुख अगम अगोचर तिहाया हाँ बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया जन की टेक हर नाम टिकैया सतगुर की तर लागां जामा गुर कृपा ते हर दर लहिया रहा यह शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत् कढ़ैया लाल जवे हर नाम प्रगासिया भांडै पाओ पवै तितैया दासन दास दास होए रहिया जो जन राम भगत निज भैया मन बुद्ध अर्प तरहूं गुर आगे गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया मन मुख माया मोह व्यापे यह मन तृष्णा जलत तिखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अग्न बुझी गुरु शब्द बुझैया ही मन नाचै सतगुर आगे अनहद शब्द तुन तूर वजैया हर हर उस्तत करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पुरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तार चुवै यत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लहिया मन हट कर्म करै अभिमानी ज्यों बालक बालू कर उसरैया आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन भिन ठह पैया हर सर सागर हर है आपे यह जग है सब खेल खेलैया ज्यों जल तरंग जल जल है समावै नानक आपे आप रमैया हर सर सागर हर है आपे यह जग है सब खेल खेलैया ज्यों जल तरंग जल जल है समावै नानक आपे आप रमैया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश टलदी शाम सतसंगत दा समां सी प्राप्त कीता है। गुरु हजूरी नूं माणदिआं गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण समां है गुरु शब्द व्याख्यान दा जिस विच बिलावल राग दा अष्टपदा गुरु
रामदास महाराज जी की पावन उजरत की मुकामी रचना। बचन असी पिछों विचारदे आ रहे हाँ, गालबन इस पावन शब्द का हिस्सा असी चार बंद विचार लेने। अज अगलेरे बंद तो विचार अगे करांगे, पर शुरुआत रहाओ दे पते तो ही कर रहे हाँ। साहब जिक्र करते हैं, जन की टेक हर नाम टिकैया। जन वो बशर, वो मानुख, वो इंसान, वो रूह है जिसने अपने आपे नू जान लिया है, चीन लिया है, पहचान लिया है, जन वो है। जन बाबत बहुत सारे सिनोनिम, बड़े सारे प्रायवाची समानअर्थी शब्द बाणी विच मिल जाएंगे थानू, गुरमुख, साध, संत, सुहागण, सो मैनी वर्ड्स। पर यह सागा सारा है जन है। जन अपने आप नू जानन वाला, चीनन वाला, पहचानन वाला, जिदे विच सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल पूरे आरूफ ते है, थ्रेशोल्ड नू टच कर रही है, दैट इज जन। जिसनू जीवन दे हर मरहले दे विच ये ज्ञान हो रहा है, वट टू डू एंड वट नॉट टू डू, दैट इज जन। जिदा विवेक पूरा प्रज्वलित आ, जिदा हर कदम किसी इलाही रोशनी दे विच लिया जाता आ, वो हैगा जन। स्विस जन की परिभाषा, वी कैन कीप ऑन मूविंग टूवर्ड बाणी साइड वैन वी गो एनी सोर्ट ऑफ एक्चुअली वर्ड्स एक्सप्लेनेशन, बट हेयर बाबा जी सेइंग जन की टेक हर नाम टिकैया। एहो जी रूह का जड़ा ओट आसरा है वह हरी नाम है, वह मालक का अपना आशा है। मुराद यह ही है कि बंदे नू वाहिगुरु अकाल पुरख वह नहीं भुलना चाहिए, उदा नाम, उदी होंद, वह हर वक्त कायम दायम आ। दुख सुख जीवन दे हर रंग, हर सोग, हर तरह की सिचुएशन च उदा ही आधार साडा जीवन है। जन इस चीज़ नू समझ चुका है, इस चीज़ नू अपना चुका है। सतगुर की थर लागा जावां इस नाम वाले राह दे उत्ते, जो साडा असल विच हैल्प करन वाला हैगा, साडा मददगार आ वो सतगुरु है, ते सतगुरु दा सी पल्ला बस फड़ के तुरे जाइए। मीन क्योंकि जिहड़ी रोशनी है ये कमाउणी पैंदी है, ते ये लगातार एक्यूमुलेट करनी पैंदी है। जिवें साडे घरां दे दीवे ये बलदे रखण वास्ते सानूं तेल पाउणा पैंदा है। पुराने समय फिजिकल साइड तो तेल तुसीं कोल्हू तो कढ़ा के लियाउंदे सी, बाजारों खरीद के लियाउंदे सी। अज दा तेल थोड़ा डिफरेंट हो गया, बलदा तो बालण ही है कि बालण तुहाडे ही पे किते बिल विचों जांदा है। तुसीं बिल पे करने बंद कर दिओ, डेफिनेटली दीवे बुझ जाणगे। इन बिन भगत रविदास जी ने कहा सीगा, माधो अविद्या हित कीन। दीवे दी दोस्ती तेल ना लगे दीवा बढ़ेगा, दीवे दे आले दुआले उसकी रोशनी नू बलदा रखने वास्ते ओट रहेगी, दीवा बलेगा। दीवे नू जिन्नी कु ऑक्सीजन चाहीदी है बलन वास्ते वह मिलती रहेगी, दीवा बलेगा। तुसीं इहनां चों कोई भी चीज़ घटाओगे दीवा बुझ जाएगा। तेल पाना बंद कर दिओ। मनुखी जीवन दे विच चंगेरी संगत उसनू चंगे ख्यालां वाले पासे लैके जांदी है। ये पहली इस दीवे दा तेल है। सतगुरु नूं कित्थे मिलोगे जाके, संगत च ही मिलोगे। ते संगत शरीरां दी नहीं हुंदी, शब्द दी हुंदी है। ये है बाकी सारे तो अपने आप नूं संकोच के शब्द दे सपुरद करना अपने आप नूं। फिर लगातार जिहड़ी ऑक्सीजन आ उस दीवे नूं बलदा रखण वास्ते वह हैगी है कि जिहड़ी सिक्ख्या जो चीज़ मिलती है उस एनर्जी नूं लगातार जीवन विच अपलाई करदे जाणा। यह है विवेक का दीवा बलदा रहे,
गुरु का पला फड़ के रखो, एक्यूमुलेट करो, उसनू अप्लाई करो, एंड दैन डेफिनेटली नाम की जिहड़ी टेक है वह बनेगी। बचन आया सतगुर की थर लागा जावा, गुर कृपा ते हर दर लहिया, ते इहदे सदका एक दिन हरी का दर दिस आवेगा, उहदा दरवाजा दिस आवेगा। मीन रब का दरवाजा, खुशियां का दरवाजा, सुख का दरवाजा, शांति का दरवाजा, जीवन की मुक्ति का मंजले मकसूद है जिहड़ी साडी रहाउ का बंद है। जिस बंद तुसी बचन अगे लैके जाना वह हैगा, महाराज कहिंदे ने इह मन नाचै सतगुरे आगे अनहद शब्द तुन तूर वजैया। मैटाफोर दिता बाबा जी ने, कुछ रूपां नूं बड़े ध्यान नाल देखण दी लोड़ है। असी बचन पढ़ते हैं, महाराज कहिंदे गुरु नानक साहब का बचन आसा की वार पढ़ो, पूरा जिहड़ा रंग है जित साहब जिक्र करते हैं कि जिहड़ा हैगा नचण दी क्रिया, ते खास करके जिहड़ी धार्मिक किसी विश्वास के नाल नचण दी क्रिया का रंग सारा बयान किया। महाराज कहिंदे कि आप पछाड़ें धरती नाल, रोटियां कारण पूरें ताल, वो वाला सारा शब्द अखीर मुकामी मुकदा इत्थे जाके है कि नचण कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। क्या हाँ ये ठीक है, संसारी तौर पर बंदा खुशी दे इजहार नूं अपने मन दे खुशी दे वलवलिया नूं बयान करन वास्ते कुछ गाउंदा, कुछ शरीर दियां हरकतां करदा, इस तरीके नाल ए ते ए मुढ़ कदीमा तुरिया बंदे दे नाल, ते हर कल्चर दे विच डिफरेंट डिफरेंट वे दे नाल हैगा आ। पर ए समझ लैना कि नचना ही कोई भगती है, ये रहा रासां पैंदियां, अज तक भी पैंदियां ने। ईवन जे असी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं, उन्होंने गाउन नचण सारे उत्ते बिल्कुल इसनों जिहड़ा है काफराना हरकत या इसनों कुफर मन्या, इसनों गैर इस्लामी मन्या। पर उन्होंने विच भी एक सूफिया का तबका पैदा होया जिहड़ा नच के ही अपनी इबादत का इजहार लैके आउंदा। ठीक है भाई, नचन कुदन बाणी कहिंदी मन का चाओ, तुहाडे मन की खेड है, तुसी मन का चा करना पूरा कर लो। पर यह जो इस किस्म की सोच है, इस किस्म का जिहड़ा एक्सरसाइज आ, किसी सोशल स्ट्रक्चर दे विच एक रिलीजियस स्कूल विच कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक धार्मिक तौर पर समाजिक धर्म नहीं हो सकता। वो किवें इस तरह जानिए, असी सारे ही एहो जे सोच दे धारनी हो जाइए तो आप अंदाजा लाओ सोसाइटी कैसी होएगी। लोग गलियां च नचते फिरनगे, चार चपेरे जी इस तरीके। हाँ एक अद्धा बंदा होए शहर पिंड ग्रां दे विच सारा पिंड टॉलरेट कर लैंदा, लोग जिहड़ा हैगा वेखें लोग हसाए कर जाए, लोग वेखदे फिर कहिंदे चलो कोई ना ए मस्त आदमी आपां नूं की, फिर घर जाके हसदे अज देखा जी नचदा किवें सी। ये चीज़ां रहियां इस सारे दे च, रासां रचाउणियां, ये सब चीज़ां करनियां, इस सारे चीज़ नूं एक्सैप्ट नहीं किया जा सकता। हाँ जिन्हां समाजां दे विच कई बार ये हुंदा कि बहुत किसी चीज़ नूं प्रेस किया जाता कि भाई आ चीज़ नहीं होण दित्ती जाएगी बिल्कुल, तो उहदे अंदर कई बारी रिटेलीएशन हुंदी है। जिवें तुसी देखोगे जितना गाउण नूं इस्लामिक दुनिया दे विच जिहड़े साल इस्लामिक मुबालिक ने उत्थे रोकिया गया, दुनिया दे टॉप दे गवैये उत्थे पैदा होए, इंतहा जिहड़े ऐसे ऐसे गवैये जिहड़े मतलब सुरां दीआं बंदिशां तोड़ दिंदे, ते लोकी कहिंदे क्या एक ही है, एक्चुअली रिटेलीएशन है, ये भी हिस्सा रहा उस रूप दे च। इसे करके सिखी आशे दे अंदर हर चीज़ नूं बड़े प्रैक्टिकल वे नाल देखिया गया। गुरु बाबा जी 52 मुख कवि अपने दरबार में रखते, साढ़े घर दे विच सुथरे शाह वर्गियां रूहां जो मतलब
सोच करो किसी नूं कोई मजाक भी करना है, जोक भी करना है, तो सुथरे शार ही गुरु हरगोबिंद साहब नूं जोक कर दे। इहो जिहा रूम रख्या भी हाँ भाई ये संसारक तौर पर हर तरह के रस की गल आ। एक्चुअली जिंदगी साढ़े नौ रस होंगे ने, जिन्हें हास रस एक बड़ी वड्डी साड़ी एक जिंदगी का हिस्सा हैगा। इस चीज़ में स्वीकारिया गया। जो मैं छोटी जिथे बात इग्जाम्पल रूप में देव तो आपने शायद कितने तवारीख ये चीज़ पढ़ी होए कि गुरु साहब के कोल सुथरे शाह आए तो हाथ दे विच इस तरीके नाल चिड़ी फड़ी, छोटा जिहा बर्ड जिहड़ा हुंदा स्पैरो, तो छोटा जिहा बर्ड ही जिहड़ा हैगा इस तरीके नाल होल्ड किया। तो गुरु साहब नूं कहिंदे गुरु पातशाह तुहाडे बारे सुनिया आ या तुहाडे बारे असीं मन्ने आ, तुसीं अंतरजामी हो। सतगुरु अंतरजामी आ, सतगुरु अंदर नूं पढ़ लैंदा आ। तो सतगुरु आपां कहिंदे भी जे अंतरजामी हो तां आपां परख हुणी कर लैंदे आ, गल ही कुछ नहीं है। मेरे हाथ दे विच चिड़ी है बर्डी इक स्पैरो, तो बस तुसीं मैनूं इन्ना ही दसना आ कि इह जिउंदी है कि मरी। तुसी अंतर जामे हो, तुसी बुझ लोगे, दस दिओ ते पता लग जाएगा सारियां नूं भी गुरु सतगुरु अंतर जामी ने। देखो गुरु मतलब आम हाल दा बंदा है, तू टिचरां करदा आ। ते गुरु हर गुरु महाराज हस पे ते हस के कहन लगे, कहिंदे कि सुथरे गल इह है कि तेरे मन दी गल बुझ ली मैं। ओह कहिंदे महाराज की मैं तुहानूं चिड़ी, महाराज कहिंदे होई तैनूं दसण लगा। सुथरे गल यह है जे मैं कहांगा ये जिउंदी है तो तू हाथ घुट देना, ये नाल ही मर जाना। जे मैं कहांगा मर गई है तो हाथ खुला छड़ देना, ना उठ जाना। ये ना जिउंदी है ना मरी है तेरे ते डिपेंड करता भी तू इहनूं हाथ च किवें होल्ड करना है। महाराज के चरणों ते सिर रखता कह लगा पातशाह वाकई जंतर जामी हो। अदरवाइज कहते मैं अज कह रहे मैं सोच के आया सीगा भी अज देख गुरु साहब देख अज गुरु साहब मैं ना इतने इस रूप के जोड़ा है कल जिन्होंने कहना सिचुएशन मैं फसा लेना है। मतलब ये रूम है, गुरु साहब ने हर गल नूं उस रूप में नहीं लिया। ये जीवन के रंग ने वक्रे वक्रे। महाराज भाई साहब भाई नंद लाल जी गज़लां पढ़ते हैं, कमाल है क्या मजाजी रंग उकेर उकेर के। मतलब असी कई बार शायराना अंदाज चुनते फारसी च पढ़ते हाँ कि मेरे महबूब का हुसन कैसा है कि कहिंदे कि जो मैं देखता हाँ कि मतलब वो जिहड़ी खूबसूरती है वो तो कहण तो बाहर ही है। मतलब उन्हों असी उन्हों बयान भी नहीं कर सकते भी दीन दुनिया दरक मंदे आपुरी रुखसार मां। मतलब जे कि मेरे महबूब दे रुखसार नूं कोई देखे ना तो दीन दुनिया की कड़ी चीज़ वो सामने लैके आओगे। मतलब इस किस्म के रंग बयान किए, इस किस्म दीयां चीज़ां। सो यह है कि हाँ ये सारे नूं जीवन दे नाल जुड़िया होया, जीवन नाल दिखाया गया सब चीज़ों के विच। पर यह है जदों गल आएगी इबादत की, जदों गल आएगी धर्म की, इस तरह जानिए इन होर सरल कर देना वा। जीवन का एक पड़ा हुंदा या एक वक्रियां वक्रियां स्टेजेस हुंदियां ने। मैं हमेशा कहना बी फ्रेंडली विद योर किड्स बट डोंट बी ए फ्रेंड विद योर किड। Sometimes people ask me, "Bhai sahab, can you explain it? Why are you saying it?" And I'm not saying from my own mind side. No, no. This is coming from a big time research. The research actually behaviorists who have researched all these things actually in different society scenarios and different behavior analysis. Then they actually presented this kind of data that be a friend with your kid. Be friendly with your kid but don't be a friend with your kid. दोस्ताना रूप दे विच गल्लां बातां करो, एक प्यार भरे माहौल दे विच बच्चियां दे नाल, पर उन्हां दे माँ बाप बन के रहो, दोस्त ना बनो। लुकिंदे की भाई साहब गल आ, गल यह है कि माँ बाप एक अथॉरिटी हुंदी है। दोस्त मित्र जिहड़े हुंदे ने
वह बराबर दे होंदे ने। जिथे बच्चों बराबर दे लोग तो बड़े मिल जाएंगे, दोस्त मित्र अथॉरिटी उत्ते कुदरत ने बख्शी उन्होंने, तो उस रोल नूं तुसी प्ले कर रहे हो प्रॉपरली। कुछ चीज़ा अथॉरिटी ने ही अथॉरिटी तो ही सिक्ख्या के रूप में मिलती हैं। जे तुसी वो अथॉरिटी लूज कर जोगे तो एक दिन बच्चा वो अथॉरिटी लभेगा तो तुसी तुहानू काउंट नहीं कर पाए, तुहानू लगेगा इत्थे मेरे जिवें दूजे दोस्त ने इवें दोस्त है मेरा है। फिर माँ बाप का रोल कित्थे रह जाएगा, माँ बाप अथॉरिटी होंदे ने। तो गुरु रब ये तो अकीदत है बंदे की। स्पिरिचुअलिटी इज ए सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट ए जोक। मैं पहले बेनती कर रहा, अध्यात्मकता जी है बड़ी सिंसियर चीज़ है, इनू मजाक ना समझा जाए। ईवन सत्संगत का कॉन्सैप्ट भी जड़ा है ना, ये बड़े सिंसियर होकर बंदा अपने इमोशंस नू अपनी एनर्जी नू इनवैसट करता है। जे इस एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया ना, तो एंटरटेनमेंट वास्ते बहुत कुछ है आले दुआले, फिर तुसी स्पिरिचुअल साइड ते अपने आप नू इनलाइटेड कित्थों करोगे, फिर वो बड़ी वड्डी लैकिंग हो जाएगी। इस करके बाबा जी ने कहा है, नचन कुदन मन का चाओ है, जिहड़ी भगती है नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। ये तो पाओ पाओ दे खेड है, ये तो एक निर्मल डर दे विच्चों निकली हुई चीज़ तो फिर उस प्रेमा भगती दे रंग च रंगी जाती है, ये रूप है। हाँ मैटाफोर्स गुरु साहब ने दिते ने, तो वह इस करके दिते ने ताकि वह सानू संसारक तौर पर समझ आ जाते हैं। जिवें इहदे च नचण दी मिसाल गाउण दी मिसाल है, बाणी च अक्सर तुसीं एवें दीआं मिसालां पढ़ लैंदे हो, किते महाराज बयान करदे ने कि बिन बाजे कैसे नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावनहारी, जीन बिना कैसे बजे रबाब, तैसे नाम बिना बिरथे सब काज। क्या बिन बाजे कैसे नृतकारी, कोई बहुत वड्डा नृतकार होए, नाचा होए, डांसर होए, कमाल दे नाच करे, मूव करे, हत्थां पैरां नूं थड़का दे बड़े वधिया वधिया रूप दे विच, पर एक चीज़ होए कि उसनूं नचण दे समय च कोई वाजा ना वजे, कोई म्यूजिक ना वजाए। बाबा जी कहिंदे अब्बल ते नच नहीं पाएगा, जे नचेगा ते बेरसी होएगी। बिन बाजा कैसे नृतकारी, बिन कंठ है कैसे गावनहारी। आप अक्सर देखते हो बड़े बड़े लोग होंगे ने, संगीत की नॉलेज रखते ने, साज वजाते ने, साजियां तो होर कई कई कट्ठे करके उन्होंने सारे साजियां बजा के धुना बनाते ने, पर गा नहीं पाते। गाउण वास्ते किसी होर बारों लैके आते हैं, तू गा भाई, संगीत तू बजा रहा, धुन तू बना रहा, लिखा तू रहा, सारा कुछ सारी चीज़ तू सैटल की है, फिर गा भी दे ना। बिन कंठ है, कंठ तो बिना नहीं गाया जा सकता, एक कुदरत देंदी इस रूप दे विच। इन बिन आपने कभी रबाब वजदी देखी होए, रबाब नू वजाउण वास्ते बहुत छोटा जिहा इन्ना क टुकड़ा हुंदा जिहड़ा जिहड़ियां वायरस हुंदियां ने, तंदा हुंदियां ने, उन्हां नू हिलाउंदा आ। बाकी रबाब महंगी तो महंगी लै आओ, जिहड़ा टुकड़ा इतना क्या वह हो सकता $2 का होए, पर जो $2 की चीज़ भी ना ना हुई वो पूरी रबाब बेकार हो जाएगी, वजेगी नहीं। इन बिन तैसे नाम बिना बिरथे सब काज। बंदा कहे नहीं नहीं भाई साहब, नाम मतलब रब की होंद नूं मन्ना स्वीकारना इहो जिहियां चीज़ां, इह कोई वड्डी गल नहीं। बाबा जी कहिंदे इन्नी क वड्डी गल है, तेरा जीवन बेअर्थ हो जाए, बेकार। सब कुछ प्राप्त करके भी यू आर जस्ट लूजिंग एवरीथिंग, ये रूप है। सो मसाला दित्तियां ने अज जिहड़ी मिसाल है दे विच, यह मन नाचे सतगुर आग है, सतगुरु के अगे आके ये मन नचे। फिर मैं हथ बन के माफ़ी मंग के बयान करन लगा हाँ, बदलती दुनिया दे विच की करांगे असीं, क्योंकि हर बंदे दी अपनी इंटरप्रिटेशन है। शब्द गुरु के कॉन्सैप्ट जो देखते ना असीं, शब्द गुरु के कॉन्सैप्ट जे तुसीं शब्द के जरिए ते साढ़े जो गुरमुख सज्जन जिन्हां ने गुरमत का जीवन कमाया, सोसाइटी के वास्ते एक रोल प्ले किया, सोसाइटी नू किसी एजुकेट साइड ते लैके गए, उन्हां दी मदद नहीं लवांगे तो असीं शब्द नू पूरी तरह समझ नहीं सकांगे। नहीं तो होएगा कि आपने पिछे करके बहुत सारे इहो जिहे सोशल मीडिया दे चीज़ां देखियां होणगियां, अज ते ऐसा माहौल आ कि कीर्तन दियां धुनां दे उत्ते, गुरबाणी गायन दे उत्ते लोकी नच्चन लग जांदे, की करोगे।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਨਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਨ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਈਡੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਰਾਦ ਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਨ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰੇ ਆਹ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਮਨ ਨਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ਤੂਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੂਰ ਵੱਜਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਠੀਕ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਓ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਪ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੀ ਐਡੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਆ ਬਈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧੁਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਰ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਬੇਸਡ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮਨੋਕਲਪਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਵੱਗੈ ਕਾਂਤੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਖਪਦਾ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਧੁਨ ਸੁਣੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਨ ਉਹ ਭੱਠ ਪਏ ਧੁਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜੇਗੀ ਤੂਰ ਵਜਈਆ ਕੈਸਾ ਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ ਆ ਭਾਵ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਇੰਡ ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਇਟਸ ਏ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਆਏ ਅਤੇ ਦੈਨ ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਜੋ ਓਟਸ ਤੋਂ ਓਟਸ ਜੋਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਪੈਣੀ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਹਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਨ
Why you guys are actually killing yourself and killing us? No, 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 that's unacceptable. फिर कई बार फर्स्ट जनरेशन समझ नहीं होता भी गल की है, तो उन्हें दलील भी होती है भी एंड ऑफ द डे एवरी थिंग इज फॉर इंजॉयमेंट इज इंट. हाँ बिल्कुल ठीक गल है, दैन लैट्स इंजॉय, दैन वाई यू गाइज आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग सो मच. हूँ उत्थे ये नहीं समझ आती कि एक्चुअल लैवल से जी इंजॉयमेंट की गल हो रही है वो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो गया. लाइफ सिर्फ तो सिर्फ एक कोई दो घंटे की मूवी नहीं है, ये कोई एक किसी एक घंटे तक जाके कोई कॉन्सर्ट देखने वाली चीज़ नहीं है. ये तो एक बड़ा मतलब एक जीवन का एक रंग आ जिसनू मानना आ. ये अंदर टाइम टू टाइम यहो जी चीज़ा आले दुआले आनगियां, पर उन्होंने बिल्कुल पहले सिंसीयरली ये चीज़ होए कि इन्हों का कम सिर्फ इन्ना की है पर घड़ी पल का मेला आ, इस तो बाद नहीं. बाकी बाकी कुदरत की वड्डी खेड़ मैं एक रोल मिले आ, वो रोल पहला मेरे को एक बेटे का सी, बेटी का सी, एक स्टूडेंट का सी, एक विद्यार्थी का सी. फिर मीन वाइल आई वॉज गैटिंग रोल एज ए सिबलिंग, दैन आई वॉज गैटिंग रोल एज ए यू कैन से सिटीजन, एंड दैन आई वॉज गैटिंग रोल एज ए ह्यूमन बीइंग. जिमें जिमें समझ आई एक मनुख का बड़ा वड्डा रोल है धरती के उत्ते. इस कुदरत ने मनुख को अपना सब तो मतलब कीमती खजाना समझते सोझी दी है, तो मैं उस समझ सो जन बनना नाम के जरिए, तो मैं ढोरा बन के जिमें पशु तुरे फिरते मैं भी तुरै फिर इतने, फिर की फायदा रह गया इतने. फिर जाके बंदा फिर इस बाहरले वाजिया से डिपेंड नहीं करता, फिर वह अनहद शब्द, फिर अंदर की खुशी होंगी, एक हायर लैवल का थॉट आता बंद, फिर उन्होंने बंदा पुगता होया देखता. फिर बाहरले बंद कई बार जो आम जो हालत हों जन की समझ नहीं गई उन्होंने लगता है पागल ही है असल, ये मौका आ, टाइम बनया आ, इंजॉय करे की लोड़ आ. भाई जे इस तरीके दे नाल सारा समाज किन्नी देर चलेगा, आखिरकार सब कुछ गवा लाँगे सी. किसे स्ट्रक्चर ते चीज़ां खड़ दिया ने. मैं ते अज सवेरे बात हो रही सी बच्चे दे नाल, ते वो जे आपां देखिए ना वैल्यू बेस्ड सिस्टम जिहड़ा आ, किसे प्रिंसीपल नूं ओबे करना, तुसी जिथे प्रिंसीपल्स नूं ओबे करना छड़ दे हो, तोड़ दे हो, डिसिप्लिन तोड़ दे हो, उहदे कॉन्सिक्वेंसेस बस उहदे लई फिर प्रिपेयर हो जाओ. तो फिर यह भी चीज़ है, मन एक बारी गुस्ताख होया नहीं, खुराफात करना शुरू किया नहीं इसने, ये किसी डिसिप्लिन तो टुटिया नहीं गा, फिर ये कई बार टिकण का कोई टिकाणा भी नहीं रहिंदा. इस करके बाबा जी ने कहा ये गुरु दे आले दुआले नचदा रहे, ये सज्जे खब्बे ना जाए कितने, यदि परिक्रमा करे. जो आपू होर सिंपल करके देखिए तो जिमें चंद्रमा धरती के दुआले घूमी जाता है, धरती सूरज दुआले घूमी जाती है, ये ना ऑरबिट है वह, बस इन बिन्न आ सूरज रोशनी है, मनुख तेरे वास्ते गुरु रोशनी है, तेरी जिंदगी तेरी सोच बस वो दुआले घूमती रहे, यही पला फट के वह फट तुरते रहना. ये तेरा जो अंदर अनहद शब्द तुन तूर तूर वजइया, तेरे असल विच अंदर दे तुणके वजनगे, असल तेरे अंदर दा फिर संगीत असल तेन समझ आएगा. अगला बचन आ, हर हर उस्तत करै दिन राती, रात दिन हरी दी उस्तत करनी. जीवन दे विच जिवें चीज़ां ऑबजर्व करांगे, सवेरे दिन चढ़िया रोशनी होई, अखां खुलियां, ध्यान आया मालक किन्ना बेअंत आ, मैं तो इस शरीर के सद नाल कोई मुल भी नहीं तार सकता तेरा, जिंदगी रुमकती हुई एक बार होर मिली है मैनू, धन्यवाद है तेरा. बंदगी शुरू हो गई, उस्तत शुरू हो गई, अखा खुलियां, दुनिया भर का कूड़ कबाड़ा सुरते च पिया, ख्याल च पिया, तो बंदा कहिंदा लै यू नो माई गॉश अगेन आई हैव टू गो टू वर्क, बट्स वॉट्स द लाइफ, हो गया काम शुरू, बस इतों ही कंप्लेन शुरू हो गई बंदे दी. फिर अगले पड़ा दे विच पेंट्री खोली, तीन चार तरह के सीरियल पे ने, बैड के लोफ देखे दो तरह के पे, दैट्स इट, ओ माय गॉश, नथिंग टू ईट एज ए कैन से न्यू फूड. ओह ते जे शिकायत का मौका तो हर थान ते ही है, जिवें दी मर्जी तुसीं लै लो चीज़ इस रूप दे विच.
मैं अज कित इंस्टीट्यूशन सेगा तो उ जोड़ा उ मेन साडा इंचार्ज कह लो सेगा तो गल हो रही जी सम हाउ दे एक्चुअली इन लंच रूम एंड हैविंग सम सोर्ट ऑफ जस्ट कन्वर्सेशन मतलब चर्चा हो रही वैसे तो वो को जड़ा इलैक्ट्रिक व्हीकल आ काफ़ी महंगा तो उन्होंने पूछा जा रहा भी इलैक्ट्रिक व्हीकल है तेरे को है ना अजक तो मिलता भी नहीं साल साल की वेट आ शुरू हो गया कहना जी बस ये तो बेकार ही गारबेज ही है बस की होया उसने एक भी कम की गल नहीं दसी कहिंदा जी ये एक तो यह प्रॉब्लम यह हैगी है भी तुम कित भुल जाओ चार्ज लाना तो बड़ा पंगा पैंदा हैगा विंटर जो बहुत आ जाओ उदों 30% बैटरी ज़्यादा चार्ज करनी पे मतलब छोटी तो छोटी चीज़ सारी आवाज लगी हट है। मैं क्या अच्छा मैं आखिर तेन क्या मैं क्या भी तू मतलब उन उसनों जो ड्राइव करदा आ तेरा ये तो नहीं चित करता भी कित दे के किसी दरख्त च मारा भी किसी काम की नहीं हैगी मैं डोंट टेक लाइक दैट है ना एवं ना करी मतलब जिम्मे जिन्ना कुछ तू तो दसता ना मैंने तो यह लगन लग गया फिर हस पिया कह लगा हाँ यह भी गल ठीक है काउंसलर यू राइट है ना ये चीज़ हो सकती बंदा जो इन्ना इन शिकायत इन कंप्लेन रखेगा तो डेफिनेटली हो सकता यहोजी अप्रोच भी अडोप्ट कर ले जो संसार बंदा ना मतलब कोई व्हीकल चक्का मारन तुर पाया किसी गन चुकी मारन तुर पाया ये की है ये जो तो संसार सारे फ्रस्ट्रेशन अंदर लै ली बंद उसनू उस्तब का पता ही नहीं वड्याई का पता ही नहीं बंदा तो मुश्किलां तकलीफा ही चो लंघता होया भी जे कि करतार के एहसास आवे तो कि मालक पता नहीं किड़े रंग तो विखाने अभी शब्द पढ़ते हैं आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी तो फिर मुकदी गल इत ज्योति सुभाव है नानका आ उस्तत है वो यह है बंदगी की जड़ा जड़ा मैं वो कहा कि बिल्कुल थ्रेशहोल्ड की बात बचन आया हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हड़ताल पुरैया फिर जिन्हों समझ आ गई उन लगता भी ये जेड़े पासे मैं पैर पाने कुदरत दे रही है ना समा मौका जो जे मैं हाल हालात लंघ रहा वा असल दे कुदरत थाप पा रही है तो मैं ताल पूर रहा वा ये मालक दे एक वड्डे हुक्म की प्रतिपालना चो मैं लंघ रहा सरूप दे विच ये बचन अगे तीन पदे होर ने जिदे इन्हां दी अगे फरदर व्याख्या आ जिहदी बात आउंदे समय च करांगे अज वास्ते समा समाप्त है भुलां गलतियां ना चितारियो इतने समापन करिए कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।